वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां को लेकर जनता के बीच रख रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश कहां खड़ा था और आज 2024 में देश का दुनिया में क्या नाम हुआ है, जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से हुआ है। जो कार्य 50 से 60 सालों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, वह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में करके दिखाया है। एक बार फिर मोदी सरकार 400 सीट पार कर अपनी सरकार बनाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और उसके आगे सबका विश्वास और 2019 के बाद जो सबका प्रयास और सबका विश्वास, इन दो चीजों को फिर जोड़ा, वो उसने अपनी सार्थकता को साबित किया है। जिस तरीके से 2014 के बाद देश की अवस्थापनाओं का विकास हो, आप देखिए 2014 के भारत को और आज 2024 के भारत को। सड़कों का यदि मैं आंकड़ों के साथ कहूंगा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जमीन और आसमान का अंतर कहां, वो 50-60 सालों में जो काम नहीं कर सके वो मोदी जी ने 8-10 करके दिखाए। कई गुना ज्यादा